हेलो एवरीवन, दिस इज़ द रेडिंग ब्रो। सो आज की इस क्विक ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह अपने किसी भी वीडियो में किसी भी कैरेक्टर की आइज़ को बिग कर सकते हैं, या फिर कहें कि उसको और भी फनी वे में कैसे दिखा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ अपने प्रीमियर प्रो सीसी सॉफ्टवेयर के अंदर। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले तो हम अपनी एक फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं जिस पर ये इफेक्ट हमें क्रिएट करना है। सो मेक श्योर जिस भी फुटेज में आप ये इफेक्ट लगा रहे हो उसमें आपके कैरेक्टर का फेस प्रॉपरली विजुअल होना चाहिए, तभी ये इफेक्ट सही लगेगा। सो मेरे पास एक स्टॉक फुटेज है एक रैंडम लड़के की जिसमें इसका फेस पूरा विजुअल हो रखा है। सो इसका हम बड़ा करते हैं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आइस को। सो देखते हैं इसके ऊपर ये इफेक्ट कैसा लगता है। फर्स्ट अपने फुटेज को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे एंड सर्च करेंगे स्पेरेज, वट एवर नाम थोड़ा अजीब सा है इसका, स्पेरेज आई थिंक। सो ये आपको मिल जाएगा डिस्टॉर्ट के अंदर। सो इसे अपने फुटेज के ऊपर ड्रॉप कर देंगे, देन इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा स्पेरेज इफेक्ट। देन इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा, बेसिकली जिस भी जगह हम इस पॉइंट को रखेंगे एंड देन उसके बाद हम रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। सो बेसिकली जिस भी जगह ये पॉइंट होगा तो वो उस पार्ट को जूम कर देगा। सो अभी हमें अपनी वीडियो में आइज़ के पार्ट को जूम करना है, तो हम अपने कैरेक्टर के आइज़ में वो पॉइंट रख देंगे एंड अपनी वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देंगे। देन अपने हिसाब से इसकी आइज़ को जूम कर देंगे, आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो अपने लाइकिंग के हिसाब से। मैं 75 रख रहा हूँ। सो लेफ्ट वाली आइज़ को हमने बिग कर दिया है एंड अब राइट वाली आइज़ को भी कर देते हैं। सो मैं इसी इफेक्ट पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ से कॉपी कर लूँगा, देन अपने इफेक्ट कंट्रोल में क्लिक करके एंड पेस्ट कर दूँगा। सो जो हमारा इफेक्ट था वो इसी लेफ्ट वाली आइस के ऊपर पेस्ट हो गया। सो हम अपने इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट वाली आइस की पोजीशन पे सेट कर देंगे। सो ये जो बीच में पॉइंट है आप इससे भी इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, या फिर रेडियस के नीचे सेंटर ऑफ स्पेयर से आप इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हो। सो आप फिट पे क्लिक करेंगे। सो आई थिंक काफ़ी फनी लग रहा है हमारा कैरेक्टर। सो अब एक चीज़ हम और कर सकते हैं, सो इसको और भी फनी बनाने के लिए हम अपने इफेक्ट को दोबारा कॉपी करके एंड पेस्ट कर देंगे अपने फुटेज के ऊपर एंड इस बार इसकी पोजीशन हम इसकी नोज़ पे रखेंगे एंड इसकी रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। सो ये हमारा पूरा फेस कवर कर लेगा। सो आप प्ले करके देखते हैं अपने फुटेज को। सो आप देख सकते हैं हमने इस लड़के को काफ़ी इजी वे में कुछ ही सेकंडों में एक अच्छे खासे इंसान से एक अच्छे खासा एलियन बना दिया है। अगर आपकी वीडियो में आपका कैरेक्टर मूव कर रहा है तो आप इस इफेक्ट को मूव भी करा सकते हो की फ्रेम की मदद से, आप इसमें की फ्रेम भी लगा सकते हो। सो गाइस मैं बता दूं इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, खासकर फनी वीडियोज़ में, प्रैंक्स में, मीम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड काफ़ी पॉपुलर इफेक्ट है। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।